और देखिए राजस्थान पर्यटन इस समय अपने शीर्ष पर चल रहा है। प्रदेश में वर्ष 2023 में 18 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए, जो कि एक रिकॉर्ड है। राजस्थान के पर्यटन उत्पादों का आकर्षण ऐसा है कि यहां रोजाना औसतन 4,95,000 पर्यटक और हर महीने औसतन 1.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं। राजस्थान पर्यटकों की आवक के मामले में एक ऐसे रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहा है जिसे भविष्य में राजस्थान ही तोड़ पाएगा। पावड़ों के प्रदेश से दुनिया भर में बुलंद होते पधारो महारे देश पर फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान तेजी से सबसे बढ़ा है। यहाँ के सतरंगी पर्यटन उत्पाद शुरू से ही देश दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं, लेकिन कोरोना के दौर में राजस्थान सहित पूरी दुनिया का पर्यटन ढांचा भर भरा कर धराशाही हो गया था। ये वो दौर था जब पर्यटन उद्योग गर्त में जाता दिख रहा था। लाखों लोग बेरोजगार हुए, ट्रेवल इंडस्ट्री की 50% से ज्यादा इकाई बंद हो गई। यहीं से प्रदेश ने दिखाया वापसी का जोरदार जज्बा और पूरी शिद्दत से पर्यटन ढांचे को दोबारा खड़ी करने में ताकत लगाई। नतीजे इतने शानदार रहे कि राजस्थान पर्यटन दोबारा अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हुआ बल्कि दौड़ने लगा और पूरे देश और दुनिया के लिए वापसी का मॉडल बन गया। बात करें आंकड़ों की, राजस्थान ने कोरोना के बाद वर्ष 2022 में पर्यटकों की आवक का रिकॉर्ड बनाया। वर्ष 2022 में राजस्थान में 10,87,00,000 से ज्यादा पर्यटक आए। पर्यटकों के सैलाब से पूरी दुनिया चकित हो गई कि कैसे राजस्थान ट्रेवल ट्रेड को संजीवनी देने वाला प्रदेश बना। अभी दुनिया भर के ट्रेवल एजेंट और टूर ऑपरेटर राजस्थान पर्यटन की सफलता के राज जानने की कोशिश कर ही रहे थे कि राजस्थान पर्यटन ने वर्ष 2023 में ही ग्लोबल ट्रेवल इंडस्ट्री को फिर चौंका दिया। वर्ष 2023 में राजस्थान में 18 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आ चुके हैं, जो वर्ष 2022 से 86% ज्यादा है। स्वदेशी पर्यटकों की संख्या में 65.29%, विदेशी में 328.52% वृद्धि हुई है। ऐसे में ट्रेवल ट्रेड का इसे स्वर्ण काल माना जा रहा है। केंद्र की स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना में जिस तरह के काम हुए वो मील का पत्थर साबित हुए। कोरोना के बाद वैसे भी लोग प्रकृति की तरफ और अपने परंपरागत खान पान की तरफ लौटे हैं, इसलिए राजस्थान को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह खडगावत की माने तो प्रदेश के स्मारकों पर आधारभूत ढांचे का विकास और बेहतर प्रबंधन पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। इसी तरह पर्यटन विभाग की ओर से देश विदेश में की जा रही एग्रेसिव मार्केटिंग और रोड शो राजस्थान पर्यटन के लिए मुफीद साबित हो रहे हैं। जंगलात विभाग द्वारा टाइगर और लेपर्ड सफारी कराई जा रही है, जो वन्य जीव प्रेमियों में खासी लोकप्रिय है। हमारा खान पान में वेशभूषा, भाषा की विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत राजस्थान पर्यटन को शीश की ओर तेजी से ले जा रही है। अब तो वैसे भी प्रदेश में सरकार भाजपा की है और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के पास पर्यटन का भी जिम्मा है। ऐसे में राजस्थान पर्यटन में विकास की नई गाथा लिखी जाना तय है। उम्मीद है कि चालू वर्ष में पर्यटकों की आवक के रिकॉर्ड के टूटने की हैट्रिक बनेगी। पर्यटन के प्रदेश राजस्थान ने इतिहास रच दिया है। वर्ष 2023 में राजस्थान के अंदर 18 करोड़ पर्यटक आए, जो कि वर्ष 2022 की तुलना में 66% से ज़्यादा और करीब संख्या की बात करें तो 7 करोड़ से ज़्यादा थे। राजस्थान में लगातार पर्यटकों की बढ़ रही आवक से ट्रैवल ट्रेड के चेहरे पर उत्साह है और जिस तरह से कोरोना ने लोगों का रोजगार छीना था, अब ये 2 वर्ष का जो समय है रोजगार देने वाला साबित हो रहा है। अब तो चूँकि पर्यटन की बागडोर वैसे भी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के हाथ में है, तो उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2024 में भी पर्यटकों की आवक का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।